बहुत बड़ा मसला हो गया है। क्या हुआ? क्या तैमूर अंकल आ गए? तुम्हें कैसे पता उनके आने का? मैंने तो उन्हें बुलाया। क्या बाहर तमाशा लगा हुआ है? तैमूर अंकल ने राबिया आंटी को थप्पड़ मार दिया है, वो भी सबके सामने। अच्छा है, दूसरों की इज्जत का तमाशा बनाती है ना, खुद की इज्जत का तमाशा बनेगा तो पता चलेगा। सबके सामने इज्जत की धज्जियां उड़ती हैं तो कितनी तकलीफ होती है। अब ऐसे क्या देख रही हो? सही कह रही हूँ मैं, मुझे तो तभी शक हो गया था जब वो अपने मेहमानों के आने का हमें बड़े प्यार से बता रही थी। राबिया आंटी और लाइबा के साथ रहकर तुम भी उन जैसा सोचने लगी? सोचना पड़ता है ऐसा। बाद में बता देते तैमूर अंकल को, वो कौन सा ये सब होने देते। अभी उन्होंने सब मेहमानों के सामने उनको। आयजा तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतनी मासूम क्यों हो? वो तुम्हारा रिश्ता करवा रही थी, वो भी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ। तुम्हें पता है अगर मैं तैमूर अंकल को कॉल ना करती तो क्या होता? राबिया आंटी, तैमूर को कॉल करने के लिए और मेरी इंसल्ट के लिए अब आप एमल पे हाथ नहीं उठाएंगे? क्यों नहीं उठाऊंगे? क्यों नहीं उठाऊंगी? क्या समझा तुम लोगों ने मुझे? जो मैं सोचती हूं ना, वो मैं हर हाल में करके ही रहती हूं। तुम दोनों को तो मैं यहां से रुखसत करके ही दम लूंगी। मुझसे मुकाबला है, मुकाबला खुल कर करो। लेकिन याद रखना, मुकाबला मुझसे है, तैयार रहना। मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया। अगर आप हमारे साथ गलत करेंगी तो हम हाथ पैर तो मारेंगे ना। जो जंग ढकी छुपी थी ना, वो अब सारे आम हो गई है। तुम दोनों को इतना जलील करूंगी कि अपने पैदा होने पर ही अफसोस होगा तुम्हें। ये धमकी नहीं है, याद रखना, राबिया नाम है मेरा। ठीक है, जंग है तो जंगी से।